स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें कि हम सबसे पहले बायोमैकेनिक्स को देखते हैं। इट इज डिवर्टेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो एंड मैकेनिक्स। यहाँ पे बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड मैकेनिक्स मीन्स होगा फील्ड ऑफ फिजिक्स। दस इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द फोर्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। हमारे जो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड मूव्स हैं, जो एक्शन होते हैं, उनका जो स्टडी की जाती है वो बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत की जाती है। जैसे कि हम चलते समय हमारे हाथ और पैर में कितना एंगल बनना चाहिए, नी से हम कितना फोल्ड करते हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो हम इसमें देखते हैं। अब अगले फिगर में देखिए कि एक दौड़ता हुआ खिलाड़ी किस एंगल पे उसका नी मुड़ा हुआ है, कहाँ से वो फोर्स जनरेट कर रहा है, कहाँ से आर्म का एक्शन कितने एंगल पे होता है स्पीड गेन करने के लिए, नी से लेकर टो के बीच में देखिए कितना एंगल बनता है, इसकी स्टडी हम बायोमैकेनिक्स में करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है नॉलेज अबाउट फोर्स ऑन बॉडी। यहाँ पे जो पर्सन है उसको अपने बॉडी के रिलेटेड जितने भी फोर्सेज कैसे अप्लाइड करते हैं इसकी नॉलेज होती है। सेकंड है करेक्ट मूवमेंट, बॉडी पोस्चर के अकॉर्डिंग आपका जो मूवमेंट है, जो आपकी स्किल्स है उसको डेवलप करने में आसानी होती है। बायोमैकेनिक्स का नॉलेज होने से हम इंजरीज से बच सकते हैं, कहीं पे बॉडी का ओवर यूज करना हो तो हमें जंप कैसे लेनी है उसके अकॉर्डिंग हम इंजरी से बच सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर स्किल की जानकारी है हमें तो कोच और ट्रेनर दोनों मिलकर स्किल परफेक्शन में उसके जो बॉडी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट्स, जो हमारे मूवमेंट्स हैं चलने के, बैठने के, दौड़ने के, लेटने के, इसका जो स्टडी है वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टूल्स, नए नए संसाधनों को ईजाद करने में इसमें सहयोग मिलता है। सेवेंथ पॉइंट है हेल्प इन रिसर्च वर्क, कभी कभी जो रिसर्च वर्कर होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को लेकर उसके जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल एंड बायोमैकेनिकल जो एनालिसिस है उस पर रिसर्च करते हैं और नई स्किल को बढ़ाने का काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें नॉलेज अबाउट फिजिक्स प्रिंसिपल्स। फिजिक्स प्रिंसिपल से यहाँ मतलब है कि लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, इन सबसे रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम जो आपका बॉडी मूवमेंट है उसको देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब हम जैसे कि बॉडी से जो बॉडी पार्ट दूर है, हमारी मिड लाइन से जो दूर है उसको बॉडी के पास लाना। अगर हम इसकी मीनिंग देखें, इट डिस्क्राइब ए बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन द सेगमेंट एंड इट्स प्रोक्सिमल सेगमेंट। मतलब अगर हम देखें, अगर ये बाइसेप हम लिए, यहां से अंदर की ओर ला रहे थे फ्लेक्शन है, अब यहां से इसको बाहर की ओर ले जा रहे हैं तो इसका अपोजिट जो हो रहा है वो एक्सटेंशन होगा। एक फ्लेक्शन यानी कि अपने बॉडी पार्ट को बॉडी के पास लाना और यहां से दूर ले जाना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। मतलब कि आपकी मिड लाइन से जो बॉडी मूवमेंट या बॉडी पार्ट आपकी बॉडी के पास आ रहा है वो फ्लेक्शन, और जो बॉडी पार्ट आपकी बॉडी की लाइन से दूर जा रहा है वो एक्सटेंशन होता है। अगर यहाँ एक्सटेंशन की मीनिंग देखें, इट इज अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, डिस्क्राइब ए सेगमेंटिंग मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट व्हेन ए जॉइंट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम चलते समय जब पैर आगे बढ़ाते हैं
तो वो एक्सटेंशन होगा, और जब हम दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं तो पहला पैर फ्लेक्शन की मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिया गया है, जैसे हाथ हम आगे की ओर ले गए, ठीक है, और पीछे की ओर लाए, तो वहां पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट दिखाया गया है। और इसी तरह पैर का हम देखें तो हमारे जो चलते समय पैर पीछे से उठता है तो बॉडी के पास आ रहा है तो वो फ्लेक्शन हो गया। अब जब हम बॉडी से आगे की ओर पैर ले जा रहे हैं तो वो एक्सटेंशन हुआ। इसके अलावा अदर मूवमेंट जो है एब्डक्शन और अडक्शन। अब एब्डक्शन को देखें, इट रेफर टू अ मूवमेंट दैट पुल्स ए स्ट्रक्चर और पार्ट अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एडक्शन देखें, इट रेफर टू ए मोशन दैट पुल ए स्ट्रक्चर और पार्ट टूवर्ड द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी और टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द ऑफ ए लिंब। यहां पे जो मूवमेंट दिखाया गया है, अगर हम एबडक्शन को देखें तो हम अगर नीचे से हाथ ऊपर की ओर लग जाते हैं तो एबडक्शन। ठीक है, यहां पे बॉडी के पास जो हाथ है यहां से बॉडी से दूर ले जाने का जो एक्शन है वो एबडक्शन, और ऊपर से हाथ नीचे लाने की जो प्रोसेस है वो अडक्शन कही जाएगी। इसके अलावा कुछ और मूवमेंट है आपके जो सिलेबस में इस साल है वो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और अडक्शन है। इसके अलावा जो एलिवेशन मतलब गर्दन को ऊपर करना और नीचे करना, ठीक है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जब हम कंधे को ऊपर करते हैं तो एलिवेशन की पोजीशन होती है, और नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं डिप्रेशन की पोजीशन होता है। ठीक है, इसके अलावा सर्कमडक्शन मतलब एक एक्सिस के चारों ओर हाथ का मूवमेंट या पैर का मूवमेंट या एंकल का मूवमेंट या रिस्ट का मूवमेंट, एक एंगल के चारों ओर जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो सर्कमडक्शन आता है। इसके अलावा हमारे लेइंग पोजीशन में दो यहां पे आएंगे जिनको हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में होता है कि हम जब पेट के बल लेटते हैं तो वो जो पोजीशन होती है वो प्रोन पोजीशन होती है, और जब हम अपने पीठ के बल लेटते हैं तो सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, ये देखिए एलिवेशन और डिप्रेशन का फिगर था, जहां पे कंधे को ऊपर किए तो एलिवेशन और नीचे की ओर किए तो डिप्रेशन। अब इससे रिलेटेड हम कुछ होमवर्क देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं, डिफाइन बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। बायोमैकेनिक्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। इसमें आपको चार बॉडी मूवमेंट को देखना है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन। और थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।